हेलो एवरीवन, हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर वर्ल्ड वॉर वन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जानेंगे कि आफ्टर मैथ क्या थे वॉर के, और वॉर के बाद आखिर कौन कौन से चेंजेस आए और कौन फाइनली सुपीरियर हुआ। ठीक है, हम लोग ने पिछले लेक्चर में रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, रेवोल्यूशन इन रशिया 1917, और उसमें दो रेवोल्यूशन हुए थे, एक फरवरी में और एक अक्टूबर में। इफ़ यू रिमेंबर, हम लोगों ने दो रेवोल्यूशन के बारे में पढ़े थे रशिया में, एक फरवरी में और एक अक्टूबर में। ठीक है, फरवरी में क्या था, सार निकोला टू, हम लोगों ने पढ़ा है ये चीज़ पहले प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं, ये टेंथ के पहले भी पढ़ते हैं कि सार मतलब किंग होता है। ठीक है, TSAR मतलब किंग। तो जो किंग थे उस टाइम पे निकोला टू, ठीक है, उन्होंने उनको क्या किया गया, ओवर थ्रोन कर दिया गया, यानी उनको उनके क्राउन, जो उनका क्राउन था, जो उनकी सीट थी, उससे हटा दिया गया। ठीक है, अब इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है हम लोग को कि क्यों हटाया, कैसे हटाया, किसने हटाया, इतनी डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मेन चीज़ हम लोग को याद रखनी है वो ये है कि सार निकोला टू करके किंग थे। कब, फ्रेंच रेवोल्यूशन की, सॉरी रशियन रेवोल्यूशन की बात हो रही है 1917 की, जिसमें फरवरी की ये बात है। ठीक है, तो फरवरी की बात है जिसमें सार निकोला टू जो थे उनको ओवरथ्रोन किया गया, दैट से इतना जानना है। उसके बाद अक्टूबर रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन में क्या हुआ, बोल्शेविक्स करके एक पार्टी थी। ठीक है, बोल्शेविक्स करके एक पार्टी थी जिसके अंडर लेनिन था, ठीक, एक लेनिन थे, उनको पावर में लाया गया। ठीक है, और जब हमारे सार निकोला को ओवरथ्रोन किया गया फरवरी में, फिर अक्टूबर में एक लेनिन करके उनको पावर में लाया गया, इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था लेनिन ने क्या किया, एक ट्रीटी ऑफ पीस साइन किया, यानी उन्होंने एक शांति का प्रस्ताव जो आया था उसको साइन किया। ठीक, अब उसकी वजह से जो जर्मनी और रशिया, ठीक, जर्मनी और रशिया की जो वॉर थी वो रुक गई, ख़त्म हो गई, क्योंकि रशिया की तरफ से एक पीस ऑफ एग्रीमेंट आया, यानी कि शांति का प्रस्ताव आया। ठीक है, तो जर्मनी ने सोचा कि अच्छा, अब हम और सुपीरियर हो गए, क्योंकि एक ने तो हमारे सामने हथियार डाल दिए, एक हार गया तो हम लोग और सुपीरियर हो गए, ऐसे थिंकिंग हो गई थी जर्मनी की। ठीक, जर्मनी अपने आप को और एक तरीके से कहें तो बहुत प्राउड फील करने लग गया जर्मनी अपने ऊपर। ठीक है, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ होती है, ओवर कॉन्फिडेंस बुरी चीज़ होती है ना, तो जर्मनी के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो हम किसी को भी हरा लेंगे। ठीक, तो ये तो बात हो गई रशिया और जर्मनी की वॉर कैसे एंड हुई और रिवॉल्यूशन की बात। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा कि जो ईस्टर्न फ्रंट में वॉर थी, वही जो रशिया और जर्मनी की जो वॉर थी वो एंड हो गई। ठीक है, अब उसके बाद रशिया ने क्या किया, जैसे ही रशिया हार माना, अभी हम लोगों ने पढ़ा रशिया जैसे हार माना, जर्मनी के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। ठीक है, लेकिन यूएसए, अब हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि यूएसए की एंट्री ने, जैसे यूएसए शामिल हुआ वॉर में, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक, और हम लोगों ने यूएसए के बारे में क्या पढ़ा था कि पहले जब वॉर में शामिल नहीं था, यूरोपियन वॉर में नहीं था, उस टाइम पर हमारा यूएसए एक सेंटर था ट्रेड का, है ना, ट्रेड का सेंटर था, यानी कि वो कॉमन था, वो इधर भी सप्लाई करता था और उधर भी सप्लाई करता, यानी दोनों, एक आंट में भी और अलायंस में भी, ठीक, दोनों में अपना सप्लाईज देता था। लेकिन जब कॉन्स्पिरेसी रची गई हमारे अमेरिका के खिलाफ, तो क्या हुआ, अमेरिका ने एक स्टेप उठाया और वो ब्रिटेन के साथ शामिल हो गया। ठीक, इतना तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब यूएसए ने क्या किया ये देखते हैं। हाँ, तो यूएसए जब वॉर में शामिल हो चुका था तो वो जर्मनी के लिए एक तरीके से तो नेगेटिव पॉइंट था। ठीक है, माइनस में था वो। अब वो क्यों था, क्योंकि भाई देखो, हमारा अमेरिका और ब्रिटेन, ब्रिटेन वैसे ही बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने पढ़ाई है कि ब्रिटेन काफ़ी स्ट्रांग था। हाँ, काफ़ी सारी जगहों पर कब्ज़ा किया था, सबसे ज़्यादा कॉलोनीज उस टाइम पर ब्रिटेन की थी। ठीक है, तो ब्रिटेन के पावरफुल होने के साथ साथ उसमें जब अमेरिका का भी हाथ आ जाएगा तो दोनों लोग और पावरफुल हो जाएंगे ऑब्वियसली, है ना। तो जैसे ही जर्मनी ब्रिटेन से लड़ाई कर रहा था, उधर से यूएसए से, यानी अमेरिका से, यूएसए अपनी आर्मीज भेज रहा था कहाँ पे, फ्रांस में, और फ्रांस के थ्रू वो लड़ रहा था जर्मनी से। ठीक, तो इसके थ्रू देखा जाए तो हमारा जर्मनी जो है धीरे धीरे हारने लग गया, क्योंकि अब भाई यूएसए शामिल हो गया था जो और स्ट्रॉन्गर है। ठीक है,
इतना तक देखा हम लोग ने। अब यूएसए से फ्रांस में सोल्जर्स आ रहे थे और जिसकी मदद से यूएसए स्ट्रांग हो रहा था, यूएसए प्लस ब्रिटेन स्ट्रांग हो रहा था। ठीक, 1918 हम लोग 1918 की बात करते हैं, तो 1918 में क्या हुआ, एलिट आर्मीज ने हर तरफ से हमला जारी कर दिया। अब हर तरफ से हमला जारी कर दिया क्या मतलब है वो देखते हैं, मैप के थ्रू समझेंगे इसको। हमने दो पढ़ा था, दो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, है ना। तो अब ये हमारे जर्मन एम्पायर है, ये हमारा ऑस्ट्रिया हंगरी है, वो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, उसके अलावा यहाँ फ्रांस और ये रशिया। तो रशिया का इस समय गेम नहीं है, इस समय रशिया का इस समय एक तरीके से कहें इसमें रोल नहीं है, क्योंकि रशिया ने पहले ही पीस ऑफ एग्रीमेंट साइन कर दिया, तो रशिया जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, हाँ, तो फ्रांस में आ रहे थे सोल्जर्स कहाँ से, हमारे यूएसए से। ठीक है, यूएसए के सोल्जर्स आ रहे थे फ्रांस में। ठीक, अब यूनाइटेड किंगडम से जर्मनी की लड़ाई और जर्मनी की लड़ाई फ्रांस से, दोनों तरफ जर्मनी घिरा हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, जब हर तरफ से हमला आने लग गया, अब हाँ इटली का तो हम भूल ही गए, है ना, इटली का कहाँ गया, इटली ने पहले ही जो है उन लोगों का जो अलायंस था, उन लोगों का जो फॉर्म एग्रीमेंट था उसको तोड़ दिया था, तो वो अब अगेंस्ट में आ गया था, यानी फ्रांस और ब्रिटेन के साथ आ गया था। तो अब इटली ये है हमारा, ठीक, इटली ने कॉन्स्पिरेसी रची है, इटली ने क्या किया यहाँ पे, धोखा दिया इन लोगों को। ठीक, तो ये इटली अलग हो गया इन लोगों से, अब यहाँ पे ये उसके उसमें नहीं है, तो इटली ने भी फिर अटैक करना शुरू कर दिया। ठीक है, इटली ने भी अटैक करना शुरू कर दिया। अब फ्रांस से अटैक हो रहा है, ब्रिटेन से हो रहा है, और यूएसए की आर्मी आए जा रही हैं, और इटली से भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी वीक पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, सेंट्रल यहाँ पे जो सेंट्रल पावर थी, ये जो सेंट्रल पावर है वो पीछे हट गई, वो कमज़ोर पड़ गई। ठीक है, तो ऑटोमन एम्पायर भी धीरे धीरे हारने लग गया, तो यहाँ पे हारने लग गई, ये एकमात्र सोर्स था पावर्स का ऑटोमन एम्पायर के लिए भी, और मतलब वाइस वर्सा अगर देखा जाए तो ऑटोमन हमारे ऑस्ट्रिया और जर्मनी को हेल्प कर रहे थे, और जर्मनी और ऑस्ट्रिया हमारे ऑटोमन को हेल्प कर रहे थे, तो देखा जाए तो दोनों लोग वीक पड़ने लग गए, उधर सेंट्रल पावर्स भी और इधर ऑटोमन एम्पायर भी। ठीक, क्योंकि कौन स्ट्रांग हो रहा था, ब्रिटेन, यूएसए और फ्रांस और इटली। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, वेस्टर्न यानी उधर साइड पे, तो सबसे लास्ट में जर्मन आर्मी हारी। अब इधर पे वेस्ट है, इधर पे ईस्ट है, है ना, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक, तो वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न फ्रंट, है ना, तो इधर का पार्ट हम लोग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट में हारा था वो था जर्मनी, क्योंकि अब जर्मनी भी ऐसा नहीं था कि उसको एक बार में हरा दिया जाए, उसने भी काफ़ी कॉलोनी इस्टेब्लिश की थी, उसके भी काफ़ी पावर्स बढ़ गई थी, है ना, तो जर्मनी को भी हराना एक तरीके से इतना पॉसिबल नहीं था। ठीक, तो जर्मनी जो था वो सबसे लास्ट में हारा था। ठीक, और किसकी वजह से हारा था, वो तो हमारा ओनली रीज़न यूएसए, यूएसए की आर्मी की वजह से जर्मनी हमारा वीक पड़ गया था। यूएसए और ब्रिटेन साथ में हुआ और पावरफुल हुआ और जर्मनी को धीरे धीरे हरा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ वो देखते हैं। यस, तो अब हम लोग 1918 की बात कर रहे हैं। ठीक, 1918, तो 1918 को 11 नवंबर, 11 AM, ये डेट याद रखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहली चीज़ क्या हो गई, 11 नवंबर 11 AM। ठीक है, कौन सी डेट, 11 नवंबर 11 AM, या कौन सा 1918 भैया टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो दो चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है, किया और एक डेट, तो डेट क्या है, 11 नवंबर 11 AM 11 11। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, फाइनली हमारा जर्मनी एक तरीके बोले जर्मनी ने हार मान ली बाकी कंट्रीज़ के खिलाफ। ठीक है, तो जर्मनी ने अपने हथियार डाल दिए और जर्मनी ने फाइनली अपना हस्ताक्षर दिया, अपना साइन किया जो एग्रीमेंट था वॉर ख़त्म होने का। ठीक है, फाइनली जर्मनी ने भी साइन कर दिया, तो युद्ध विराम पर जिसने
मोहर लगा एक तरीके से कहें तो वो था हमारा जर्मनी, क्योंकि जर्मनी ने ही सारी वॉर शुरू की थी, है ना। अगर आपको याद हो तो जर्मनी ने ही सारी वॉर शुरू की थी, तो एंड भी जर्मनी को ही करना था। ठीक है, इतना तक तो हो गया, लेकिन ये फाइनल नहीं था कि जर्मनी ने लगा दिया युद्ध विराम पे अपना स्टैम्प, तो ये फाइनल नहीं था। फाइनल कब हुआ? चलो ये तो हमारा हो गया कि जर्मनी ने हार कब मानी, तो मानी 11 नवंबर को 11 बजे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी चीज़, ये हो गई हमारी पहली, अब देखते हैं दूसरी। तो दूसरी ये है, फाइनल शांति नहीं थी ये चीज़, ठीक है। उसके अलावा जो फाइनल समझौता हुआ वो 28 जून 1919 को हुआ। तो अब वो देखते हैं, तो 28 जून 1919, ठीक है, ये डेट थी फाइनल शांति की। और ये डेट कब थी? जब जर्मनी हमारी हार मानी थी। ठीक है, दो डेट याद रखनी कौन कौन सी हो रही है, 11 नवंबर 11 AM, 1919, हम लोग बात कर रहे हैं 1918 के एक साल बाद, उसमें एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्सलीस। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें याद हो या ना हो, इस ट्रीटी को याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीस, अब इसमें क्या था वो देखते हैं, हेल्ड एट पैलेस ऑफ वर्सलीस, यानी पैरिस। अब ये एक पैरिस के एक पैलेस में इसको डिस्कस किया गया था, इसकी मीटिंग यहाँ पे हेल्ड हुई थी, वो थी पैलेस ऑफ वर्सलीस इन पैरिस। ठीक है, तो थ्री पैलेस ऑफ पैलेस ऑफ वर्सलीस पैरिस, ठीक है, यहाँ पे डिस्कस की गई थी क्या हमारी फाइनल शांति के बारे में। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सलीस। उसके बाद गिल्ट ऑफ वॉर, गिल्ट ऑफ वॉर यानी कि सारा जितना भी इल्ज़ाम था वॉर का कि किसकी वजह से हुई, कौन गिल्टी है, ये सारा किसके ऊपर डाला गया, हमारे सेंट्रल पावर्स पे और स्पेशली जर्मनी पे। सेंट्रल पावर्स कौन सी हो गई, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी। ठीक, क्योंकि भाई इटली तो पहले ही हट गया था, तो इटली को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक, तो स्पेशली किसको बोला गया, जर्मनी को। अब देखो, मेन जिसकी वजह से जर्मनी ने हाथ मिलाया वो था हमारा ऑस्ट्रिया हंगरी, और ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस का असासिनेशन। ठीक, उसके अंडर उसका कवर लेके जर्मनी ने एंट्री लिया वॉर में, लेकिन असर किस पे पड़ा बाद में, रिजल्ट क्या आया, हमारा जर्मनी ही फेल हो गया। ठीक है, तो फ्रेंडशिप के चलते चलते जर्मनी इतना एक्साइटेड हो गए, इतना ओवर कॉन्फिडेंस में हो, इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि हर चीज़ बस उन्हीं का नाम आने लग गया फिर। ठीक, द गिल्ट ऑफ द वॉर वर प्लेस्ड अपॉन सेंट्रल पावर्स स्पेशली जर्मनी। ठीक है, जर्मनी को गिल्ट ऑफ द वॉर माना गया, उसको वो टाइटल दिया गया। ठीक, बॉर्डर्स ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, जो सेंट्रल यानी कि ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी सेंट्रल हो गया, एंड ईस्टर्न यानी रशिया के साइड वाला पार्ट, तो उसको क्या किया, अफ्रीकन कॉलोनीज वर रीडन। अब अफ्रीकन कॉलोनीज में भी काफ़ी सारी कॉलोनीज थी, किसकी, जर्मनी की और इधर उधर जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी कॉलोनीज थी, है ना। तो मिडल ईस्ट को भी उन लोग सारी, मतलब जितनी भी बॉर्डर्स थे यूरोप साइड में, उनको रीड्रॉन किया गया, डिवाइड किया गया। ठीक है, जर्मनी को भुगतान भरना पड़ा। अब जर्मनी को क्या क्या भुगतान भरना पड़ा वो देखते हैं। जर्मनी को जैसे ही ये बोला गया कि गिल्ट ऑफ वॉर इसके ऊपर जाएगा, जर्मनी के ऊपर जाएगा, जर्मनी के ऊपर काफ़ी सारा टैक्स आ गया कि हर चीज़ का टैक्स उसको भरना पड़ेगा। इवन जर्मनी को काफ़ी सारे रिसोर्सेज सप्लाई करने पड़ते थे दूसरी कंट्रीज में, जैसे कोल है, है ना, तो कोल को उनको सप्लाई करना पड़ता था ब्रिटिश में, ब्रिटेन में। ठीक है, तो ऐसी और भी चीज़ें थी, और ऐसे उनको काफ़ी एक तरीके से लोन हो गया था उनके सर पे। ठीक, काफ़ी बर्डन था उनके सर पे इधर उधर लोगों का पैसा चुकाना, और जो उन्होंने गलती की है उसका भुगतान करना। ठीक है, अब वो कैसे हुआ वो देखते हैं। तो हैवी वॉर, जो वॉर के बाद का जो हम लोग पढ़ रहे हैं समय, है ना, और आफ्टर मैथ पढ़ रहे हैं वॉर का, तो उसमें क्या हुआ, जर्मनी को फोर्स किया गया, जर्मनी को ये ऑर्डर दिया गया ग्रेट पावर्स के थ्रू कि आप सारा भुगतान भरेंगे। ठीक है,
इतना ज़्यादा था वो, इतना ज़्यादा भुगतान था कि जर्मनी ने 2010 तक उसको पूरा किया। 2010 में जाके वो भुगतान पूरा हुआ। बात कब की है? 1918 और 1919 की है ना, लेकिन पूरा कब हुआ? 2010 में आके, ठीक है, यानी आज से 10 साल पहले बस। उसके अलावा ज़्यादा और उसके अलावा नहीं था, बहुत ज़्यादा ये टाइम था, टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा था, जिससे हम लोग समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा उन लोगों के ऊपर बर्डन हो गया था, ठीक है। अब जर्मन कॉलोनीज़ अफ्रीका में जो डिवाइड, जो जर्मन कॉलोनीज़ बनी थी अफ्रीका में, है ना, हम लोग पढ़े थे ना कि जर्मन कॉलोनी जो जर्मनी था एक रेस की तरह, रेस होती है ना जैसे, तो उसी तरह कॉलोनीज़ फॉर्म करने में भी एक रेस चालू हो गई थी। तो जर्मनी उसमें सबसे आगे था, है ना, अफ्रीका में जर्मनी ने ढेर सारी कॉलोनीज़ बना ली थी। अब उन कॉलोनीज़ को डिवाइड कर दिया गया था हमारे ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्रिटेन और फ्रांस को इतना ज़्यादा गिल्टी नहीं माना गया जितना हमारे जर्मनी को माना गया था। जर्मनी को पूरा का पूरा गिल्टी मान लिया गया था, ठीक। तो यूएसए को कुछ नहीं मिला, यूएसए को कुछ नहीं मिला क्योंकि वो मेन उस वॉर का पूरी तरीके से हिस्सा नहीं था, ठीक। अब एक और वजह थी यूएसए को कुछ नहीं मिला, क्योंकि यूएसए ने अपनी कॉलोनीज़ कहीं नहीं बनाई, हाँ, और वो इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट में था, ठीक है, इम्पीरियलिज्म के खिलाफ था। अब हम लोग पढ़ेंगे इस वॉर को, और क्या बोलते हैं, दिस वॉर इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ कई एम्पायर ख़त्म हो गए थे, ठीक। अब जैसे जर्मन एम्पायर है, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर है, रशियन एम्पायर है, ऑटोमन एम्पायर है, ये सारे एम्पायर एक तरह से ख़त्म होने की डेडलाइन, एंड लाइन पर थे, एक तरह से कहें तो फिनिश लाइन पर, ठीक। तो एम्पायर ख़त्म हो गए थे काफ़ी, इसीलिए इस वॉर को क्या वॉर बोला जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन से चेंजेस आए थे, चेंजेस कौन कौन से आए थे हमारे वॉर के बाद, हम लोग वो देखते हैं। तो ये जो हमारी वॉर थी, टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थी, ठीक है। अब कैसे थी वो देखते हैं। तो रेडियो, टैंक्स, सबमरीन्स, जो हम लोग सबमरीन्स पढ़ी थी वो, यू बोट्स वगैरह वगैरह, और आर्म्ड कार, आर्म्ड कार यानी जो हम लोग आज पढ़ते हैं, हम लोग आज कार्स देखते हैं कि मेटल प्लेटिंग वाली, जिसमें हमारी जो बुलेट है वो इजीली पास नहीं हो पा जाती है, बुलेट प्रूफ, ठीक। तो बुलेट प्रूफ कार्स जो थी उस टाइम पे यहाँ पे बनी थी, ठीक है। उसके अलावा मशीन गन्स और साथ ही साथ एरोप्लेन्स यूज फॉर बॉम्बिंग यानी फाइटर प्लेन्स, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें इनोवेट हुई थी, इन सब का इनोवेशन हुआ था, अब बहुत ज़्यादा वहाँ पे एडवांस हो गई थी चीज़ें, ठीक। इस वॉर के बाद काफ़ी चीज़ें एडवांस हो गई थी, अब जो हम लोग आज देख रहे हैं पहले इन्वेंट हो चुकी थी, ठीक है। कार्स वगैरह हम लोग आज देखते हैं हमारे वीआईपी लोगों के पास होती है, बुलेट प्रूफ, है ना, तो वो सब उस टाइम पे डेवलप हो चुकी थी, इनोवेट हो चुकी थी। क्या क्या चीज़ें फिर से देखते हैं, रेडियो, ठीक, रेडियो उस टाइम पे हुआ था, यूज़ में आया था ज़्यादा उस समय, प्रचलन में आया था बोलें तो। टैंक्स, ठीक, सबमरीन्स, उसके अलावा आर्म्ड कार्स वही ना जो अभी पढ़ाया कि बुलेट प्रूफ, उसके अलावा मशीन गन्स भी उस टाइम पे काफ़ी यूज़ हुई थी, इनोवेट हुई थी, ठीक है। एरोप्लेन्स और बॉम्ब, एरोप्लेन्स को यूज़ किया गया था किसके लिए? बॉम्बिंग के लिए, यानी जो फाइटर प्लेन्स, आप लोग को पता ही होगा फाइटर प्लेन्स वगैरह के बारे में, तो वो उसी समय सब इनोवेट हुआ था। अब आफ्टरमैथ और भी हैं इसके, जैसे हेल्थ पे, और उसके साथ साथ सोशल और कल्चर, फिर इकोनॉमिक चेंजेस, फिर इंडिया में हमारे क्या इफेक्ट पड़ा, ये उन्होंने छोड़ दिया था, नहीं डिस्कस किया था, तो अब वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जो हम लोग का इसमें और इम्पॉर्टेंट है, जैसे अभी देखा हम लोगों ने कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, ये सारे चेंजेस के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, हम लोग आगे हम इसके कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।